सब्सक्राइब कीजिए नवीन सोनी सर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन ऑल इन वन वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों, हम जा रहे हैं आज कपास की खेती की तरफ। मैं अभी आया हुआ हूँ लोहारू, जो कि हरियाणा में स्थित है, भिवानी ज़िले में। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं कपास की खेत की तरफ। यहाँ पर मेरे मामा जी रहते हैं लोहारू में, तो उनके खेत की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम अंडर ब्रिज को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों, मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशंस जो हैं वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, अभी आप चल रहे हैं कपास की खेती की तरफ। कपास के खेत में हम अभी प्रवेश करेंगे सोनी फार्म हाउस। उस फार्म हाउस में अभी हम जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा आज का लुभावना दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, और दोनों तरफ आप देखिए, तो आप राइट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं, ये पटरियां हैं, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। और जो बाएं साइड में देख रहे हैं, इधर की साइड में कपास की खेती हो रही है। तो दोस्तों, हरियाणा में कपास की खेती अच्छी होती है और बहुत ही अच्छे से और भी फसलें जो हैं वो यहाँ पर होती हैं, क्योंकि पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। पानी यहाँ पर हमेशा ही अच्छा रहता है। आप देख रहे होंगे दोनों तरफ बिल्कुल सी हरियाली है, पानी की अच्छी व्यवस्था, और जल स्तर भी यहाँ पर उच्च ही रहता है, डाउन नहीं जाता यहाँ का जल स्तर। तो हरियाणा जो है फसल के मामले में बहुत अच्छा है। तो हम अभी लोहारू में हैं, ये आप रास्ता देख रहे हैं लोहारू के खेतों के अंदर से। हम फार्म हाउस की तरफ बढ़ चुके हैं, ये देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते से हम फार्म हाउस की तरफ निकलेंगे। दोस्तों, खेतों के रास्ते इसी प्रकार के होते हैं, तो बहुत ही अच्छा आनंद आता है खेतों के अंदर जाने से, गाड़ी चलाने से, टहलने से। तो आप दोनों तरफ देख रहे हैं फसलें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पर बरसात भी इन दिनों बहुत अच्छी हुई है। तो देख लीजिए आज की बारिश, यहाँ पर पानी अच्छा है बारिश की वजह से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मिट्टी जो है वो चिकनी होती है, तो चिकनी मिट्टी की वजह से ये देखिए आप, पानी जो है इसमें अभी भी जमा पड़ा है। तो चिकनी मिट्टी है यहाँ की, तो फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी जो बोलते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। हम बढ़ चुके हैं कपास के खेत की तरफ। ये सोनी फार्म हाउस आप देख रहे हैं। हम हैं अभी हरियाणा में लोहारू, ज़िला भिवानी, हरियाणा। तो ये आप इस तरफ देख रहे हैं, सारी की सारी जो फसल है वो सारी की सारी फसल कपास की है। और कपास, जैसा कि आपको पता हो, यहाँ से रुई निकलती है कपास के फसल में से। तो आप देख रहे हैं, हम बढ़ चुके हैं फार्म हाउस की तरफ, और ये लीजिए हम पहुँच भी गए हैं। बहुत ही बड़ा ये खेत है, और लगभग सारे के सारे खेतों में अभी कपास ही है। ये लीजिए हम पहुंच गए हैं, और अब हम खेत के अंदर जानकारियां प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो कपास है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा है, तो उसको अभी हम देखेंगे। ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं खेत की तरफ, अंदर की तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर लगता है कपास, ये आप गोल गोल जो देख रहे हैं इसके अंदर अच्छा कपास लगता है, और इसी के अंदर से हमें कपास यानी कि रुई प्राप्त करनी है। तो अभी तो ये कच्चे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मामा जी, जो कि आपको अभी दिखा रहे हैं कि इसके अंदर अभी तो कच्चा है ये, जब ये तैयार होगा तब ये ऊपर से खुल जाएगा और इसमें से क्या है, रुई जो है वो निकलेगी।
तो अभी तो ये कच्चा है, तो इसका पकने के लिए लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास तक अपने को फसल को रखना है। तैयार होती रहेगी धीरे धीरे फसल, और इसके बाद में ये सारे पक जाएंगे, और जो ये ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम अलग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ने के बाद अलग करेंगे, और ये देखिए अभी खोल के देखा तो इसके अंदर ये जो आपको रुई दिखाई दे रही है, ये रुई होती है इसके अंदर, इस प्रकार से जो आप काम में लेते हैं पूजा में या रजाई गद्दों में, तो ये वही रुई है। तो इसको बड़े अच्छे मशीनरी सिस्टम से क्या होता है तैयार कर लिया जाता है, बिल्कुल से क्लीन कर लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है, और बिल्कुल उन्नत किस्म की जो रुई है वो अलग हो जाती है। इसमें बीज वगैरह है, कचरा वगैरह है, वो सारा अलग कर लिया जाता है मशीनों से। तो ये एक साथ टन के टन बिकते हैं दोस्तों, इनको कलेक्ट करना होता है, जो बहुत अच्छी इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है इसमें, जो भी पक चुका होता है ये, तो इसको अपने को तोड़ लेना चाहिए, तोड़ के अलग कर लेना चाहिए। उसके बाद में ये धीरे धीरे सूख जाते हैं, फिर इनमें से रुई निकलती है। ये देखिए आपको खोल के दिखा रहे हैं अभी कि इस प्रकार की रुई इसके अंदर से निकलती है, ये देखिए। तो दोस्तों आप मामा जी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छे से फसल का ज्ञान भी रखते हैं, और रखना भी चाहिए कि फसल यानी खेती जब अच्छी रहेगी तो पैदावार अच्छी रहेगी, और उसको चलाने के लिए अच्छी मेहनत की आवश्यकता होती है, और वो दृढ़ शक्ति जो है वो मामा जी के अंदर प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्होंने लगभग 100 बीघा के अंदर ये खेती जो है वो कर रखी है। आप देख रहे होंगे ये कपास की खेती है, ये देखिए बिल्कुल से यहाँ पर शांत चित्त वातावरण है, ट्रेन जा रही है, बिल्कुल से खेत जो है, जो फार्म हाउस आप देख रहे हैं वो इसी प्रकार से है कि यहाँ पर अच्छा नज़ारा है, ट्रेन्स वगैरह ये निकलती रहती हैं इधर से। आप अभी हैं लोहारू, ये देखिए दोस्तों इसको अभी हमने खोला है, और इसके अंदर देखिए रुई निकल रही है अभी आसानी से। तो इस प्रकार से ये मेरी मामी जी हैं, पूजनीय मामी जी, ये देखिए इन्होंने अभी आपको रुई दिखाई है। ये रुई इस प्रकार से तैयार होती है, इसको बिल्कुल से खोलना पड़ता है और इसमें से रुई निकलती है। ये आपको डोडा सा दिखाई दे रहा है, इसको खोलते हैं तो इसके अंदर रुई निकलती है। अभी तो ये कच्चा है, जब ये तैयार हो जाएगा तो इसमें से रुई बिल्कुल से अच्छे से निकलने लग जाएगी। ये भाई साहब, ये देखिए, ये अनिल जी जो आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर रुई जो है वो कैसे निकलती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी मेहनत की आवश्यकता होती है रुई वगैरह निकालने के लिए, लेकिन पैदावार अच्छी के साथ में मेहनत भी अच्छी, मेहनत अच्छी तो इसमें कमाई भी अच्छी। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें, आपका दिन शुभ रहे।